अफ्टरनून, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। हम भी बहुत ही अच्छे हैं। पता है, मैं जितना भी बिजी रहती हूँ, आप लोगों के लिए थोड़ा सा टाइम हम जरूर निकालते हैं बातें करने के लिए, क्योंकि मुझे भी बहुत ही अच्छा लगता है आप लोगों के साथ बातें करना। आज तो थोड़ा ज्यादा ही बिजी है, क्योंकि आज हस्बैंड चले जाएंगे। कल वाला ब्लॉग अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोग जानते हो मैंने बताया था आज हस्बैंड चले जाएंगे, तो आज तो हस्बैंड चले जाएंगे। अभी वो नहीं आए हैं, अभी वो बाहर गए हैं ऑफिस के काम से। आएंगे, देखिए बाइक का आवाज आ गया। आज आते हैं, थोड़ी देर बाद बात करते हैं। ये दिखाते हैं, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ढेर सारे बूंदे लाए हैं हस्बैंड। और ये है खोआ, वेस्ट बंगाल में बहुत ही पॉपुलर है, आप लोग देख लो, बहुत ही टेस्टी होता है और प्योर मिल्क से बनाया हुआ होता है, बहुत ही कॉस्टली है और खाने में बहुत ही यम्मी है। यहाँ पर है घोटी गोड़ों, ये भी लाए हैं। ये वेस्ट बंगाल में घोटी गोड़ों कहते हैं, चनाचूर से बनाया जाता है और बहुत ही टेस्टी है। चलिए खाते हैं। आप लोगों को थोड़ा थोड़ा ही दिखाते हैं हस्बैंड को, आप लोग तो जानते ही हो, बहुत ही शर्मीले टाइप के हैं मेरे हस्बैंड और थोड़ा नाराज़ भी रहते हैं, उनको थोड़ा पसंद नहीं है मैं सोशल मीडिया पर आऊँ, मगर फिर भी थोड़ा मना कर आ गए आप लोगों के साथ बातें करने। तो चलिए घोटी गोड़ों खाते हैं, आइए। सो फ्रेंड्स, पकड़ने का कोई नहीं है। बियॉन्ड टेस्टी, बहुत ही यम्मी होता है। अम्मा खा, अम्मी खा, खेलो में तो काली खा दा लॉन्ग कर दे लेकिन पूरे से हमारा बहुत तो नहीं खेती। खट्टा और तीखा होता है फ्रेंड्स, एकदम यम्मी। चलिए फ्रेंड्स, फ्लावर उठाने चलते हैं। अभी तक पूजा नहीं दिया मैंने और आज मैं पूजा भी नहीं दूंगी, बेटी को बोला है पूजा देने के लिए। और हम जाते हैं बगीचे पर, चलिए आ गए हैं हम बगीचे पर। और यहाँ पर से हम ढेर सारे फ्लावर लेंगे और क्या, देखिए ना यहाँ पर कितना फ्लावर है, आप लोग सोचते हो क्या। चलिए उठा लेते हैं, फिर आप लोगों के साथ बातें करते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ढेर सारे कृष्ण कमल मैंने उठा लिया है, अभी अंदर चलते हैं, वहाँ पर से भी फ्लावर लेते हैं। वहाँ पर मेरी बर्ड्स रहते हैं। ये साइज देखिए, देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर है, देखिए मेरे बगीचे का है इसलिए। देखिए फ्रेंड्स, अमां तुम्हारे घोटी गोरम उठे नहीं है जी, पता है बहुत ऊपर है फ्लावर, उतना ऊंचा तक मैं हाथ मेरा नीचे जाता है, फिर भी देखिए टोकरी तो भर गई है, आप लोग देख लो, यहीं से ही पूजा दे देंगे और क्या। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यही वर्ड रहता है, मैं जब भी आई कैमरे को लेकर वो लोग भाग गए हैं, ऊपर है। तो ट्यूसडे है फ्रेंड्स, हम लोग ट्यूसडे और सैटरडे को वेज खाते हैं, तो आज हमने घर पर वेज ही बनाया है और क्या बनाया है चलिए आप लोगों को दिखाते हैं, आइए। सो फ्रेंड्स देख लो, अभी हम करेला फ्राई करेंगे। हल्का सा डीप फ्राई करेंगे तो कड़वापन इससे चला जाएगा, खाने में अच्छा लगता है फ्रेंड्स, देख लो। हल्दी ख़त्म हो गया था तो हल्दी का पैकेट काट कर अभी डाल रहे हैं हल्दी। देखिए फ्रेंड्स, करेला फ्राई हो गई है, देखिए कितना टेस्टी है, राइस के साथ खाएंगे बहुत ही टेस्टी लगेगा। चलिए दूसरा रेसिपी बनाते हैं फ्रेंड्स। परवल को मैंने पानी में भिगो के रख दिया है, इसी का ही रेसिपी बनाएंगे, इसलिए मसाले पीस रहे हैं। चलिए जो भी बनाएंगे आप लोगों के साथ शेयर तो हम जरूर करेंगे। मैं सिलबट्टे में पीस रही हूँ मसाले,
फ्राई कर रहे हैं। मसाला भी इसके अंदर डाल दिया है और एक साथ मिक्स करेंगे और बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे और बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनाएंगे। देख लो फ्रेंड्स, मुंह में पानी आ जाएगा, इतना टेस्टी है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, परवल की रेसिपी बन चुकी है। अभी चलिए तीसरे वाला रेसिपी बनाते हैं। इसका ही रेसिपी बनाएंगे। पहले बहुत अच्छे से धो लेते हैं फ्रेंड्स। अभी देखिए सब्जी बनकर रेडी हो गई है। बहुत ही यम्मी सब्जी बना है। देखिए फ्रेंड्स, ढेर सारे अंडे हैं और अंडे को रख देते हैं यहाँ पर। तो देखिए ये रही अंडे, फ्रिज में रख देंगे। अभी देखिए इसके अंदर चिकन है, इसको भी निकालते हैं और अच्छे से धोएंगे। देखिए पूरा ताज़ा है फ्रेंड्स, इसको बहुत अच्छे से धोना है। देखिए दिखाते हैं आप लोगों को, देखिए पूरा ताज़ा है, देख लीजिए। चलिए इसको धोते हैं, फिर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। चिकन को बहुत अच्छे से मैंने धो लिया है। अब जब रेसिपी बनाएंगे फिर से धो लेंगे, बस हो जाएगा। अभी फ्रिज में रख देते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर है फिश, देख लीजिए ताज़ा फिश है। इसको धोकर फ्रिज में उठा कर रखेंगे। तो चलिए इसको धोते हैं फ्रेंड्स। मैंने बहुत अच्छे से फिश को धो के रखा हुआ है। अभी देखिए एक एक पीस उठा के आप लोगों को दिखाते हैं। देख लो कितना वेट है, आप लोग देख लो, और कितना ताज़ा है, सामने से दिखा रहे हैं फ्रेंड्स, देख लो। तो चलिए इसको फ्रिज के अंदर रख देते हैं। अभी देखिए फ्रेंड्स, बाउल के अंदर डाल दिया है मैंने बूंदे को। अभी ढक देंगे ऐसे और फ्रिज के अंदर रख देंगे। और मिठाई को भी ऐसे ही डाल दिया है, देखिए ढक देंगे और फ्रिज के अंदर रख देंगे। अभी आप लोगों को एक चीज़ दिखाते हैं। देखिए मेरी बेटी बैठ गई है पूजा देने के लिए। पूजा देती है मुझे ना, बहुत हेल्प करती है सच में मेरी बेटी ना। मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं ना, सचमुच ये मुझे मानना पड़ेगा। बहुत भाग्य लेकर मैं जन्मी हूँ, ऐसे हस्बैंड और ऐसे बेटी मिला है मुझे। सच में बता रही हूँ, दिल से बता रही हूँ और सच बता रही हूँ। फेस को देख लो, अगर फेस रीडिंग आती है आप लोग समझ पाओगे हम सच या झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को बहुत ही मज़ा लगेगा दिखने में। मेरी बेटी कुकिंग किया है, देखिए जो खिलौने वाले हैं ना। देखिए कितने प्यारे प्यारे, उस दिन मेले गए थे ना, मेले से ये सब लाई है। मेरी बेटी बोल रही मत दिखाओ, देखिए कितना सारा सब्जी बनाई है। तो फ्रेंड्स आज ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आज थोड़ा सा ही बात करेंगे, क्योंकि आज हस्बैंड चले जाएंगे। आप लोग जानते ही हो, मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को। तो अभी वो नहाने गए हैं, अभी नहाकर आएंगे, फिर उनको खाना देना पड़ेगा, ठीक है। फिर हम लोग थोड़ा सा बातें करेंगे, फिर ऐसे ही बातें करते करते थोड़ा सो जाएंगे। फिर उसके बाद जैसा होता है इवनिंग का जो टी ब्रेक होता है वो सब, फिर उसके बाद थोड़ा सा रोटी वगैरह खाने के बाद हस्बैंड चले जाएंगे, उनका ट्रेन है। तो फ्रेंड्स आज बस इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ। तो मेरे वीडियो में बने रहिए, अगर अच्छा लगे मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर भी करें।